नमस्कार फ्रेंड्स, सुशीला किचन में ना आज हम बना रहे हैं कर्ड राइस। कर्ड राइस बिल्कुल सिंपल चीज है, लेकिन बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। आइए बनाते हैं सुशीला के स्टाइल में कर्ड राइस। हमने लिए हैं आधा कप भिगे हुए चावल। आपके पास टाइम नहीं है, अचानक बनाना पड़ रहा है ना, तो आप बिना भिगे भी चावल बना सकते हो और भिगे हुए चावल भी यूज कर सकते हैं। तो हम इन चावल को बॉईल करते हैं। देखिए, खुले पानी में ना हम इन चावल को बॉईल करेंगे। चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं और हम एक तरफ ना इसको दही को थोड़ा सा हैंग कर देते हैं। दही का पानी सारा का सारा निकल जाएगा। दही हमारा हैंग हो गया, अब हम इसको इस तरह से छान लेते हैं, जिससे ना एक भी बबल नहीं रहेगा, दही में बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए दही को हमने छान लिया। देखिए, चावल है ना बॉईल हो रहे हैं, इन चावल में हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक, जिससे ना चावल अंदर तक नमकीन हो जाएगा। दही में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमारे चावल में भी नमक है, तो बहुत ज्यादा हम नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्ची, बिल्कुल थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ा सा ना करी पत्ता है एकदम बारीक चॉप किया हुआ, ये करी पत्ता हम डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, राइस है ना हमारे अच्छे से बॉईल हो गए। ये बासमती राइस है। आप कर्ड राइस बनाने के लिए ना कोई भी राइस यूज कर सकते हो, क्योंकि जो चावल है ना वो एकदम गल जाना चाहिए कर्ड राइस के लिए। देखिए, राइस बॉईल हो गए, गैस को कर देते हैं हम बंद और ये जो राइस है ना इनका हम पानी निकाल लेते हैं। ये देखिए, राइस अच्छे से बॉईल हो गए, एकदम गल गए हैं और इनको अब हम इसमें कर्ड में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अब हम इस कर्ड को अच्छी तरह से राइस के साथ मिक्स कर देंगे। देखिए, किसी पेशेंट को खिलाना है या किसी ने घी बिल्कुल भी नहीं खाना, उसके लिए हमारी ये कर्ड राइस बिल्कुल रेडी है। आप ऐसे ऐसे कैसे एज इट इज सर्व कर दीजिए। और यदि आपको थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस करना है, थोड़ा सा घी वाला तड़का चाहिए इसमें, तो हम लगाएंगे इस पर राई और करी पत्ते का तड़का, तो जो ये कर्ड राइस तैयार होंगे ना वो होंगे हमारे टेस्ट के लिए। इन्हें ऐसे कैसे आप पेशेंट को खिला सकते हैं, डाइटिंग करने वाले लोगों को खिला सकते हैं। और स्वाद के लिए आइए बनाते हैं इसमें स्वाद। एक चम्मच हमने घी लिया है और घी हो रहा है गर्म, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई। ये राई डाल दी हमने और करी पत्ता डाल दिया और इसको इस तरह से लिड लगा देते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें हल्दी और ये तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे राइस पर डालेंगे इस तरह से। ये देखिए। हाँ जी, कैसी लगी आपको ये कर्ड राइस की रेसिपी? हम ना इसमें थोड़ा सा जो कोल वाला जो है ना स्मोक, वो भी डाल सकते हैं। आपके पास यदि कोल तैयार हो तो आप जब तड़का लगाते हो ना, तब थोड़ा सा कोल को भी उस तड़के में डाल दीजिए, तो जो स्मोक की फ्रेग्रेंस होगी ना वो भी कर्ड राइस में बहुत ही शानदार होगी। तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं सुशीला किचन में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।